तो दोस्तों ये है एक 2200 केवी का ब्रशलेस डीसी मोटर। और दोस्तों इस वीडियो में हम इस मोटर का थ्रस्ट टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि ये 50 ग्राम का मोटर अपने साथ कितना वजन लेकर के उड़ सकता है, जिससे दोस्तों अगर हम इस मोटर से ड्रोन वगैरह बनाते हैं तो हमें एक आइडिया रहे कि हमारा जो ड्रोन है वो अपने साथ कितना वजन लेकर के उड़ सकता है। तो दोस्तों इस मोटर का थ्रस्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफी सारे प्रॉप प्लस पड़े हुए हैं। तो दोस्तों जो 2200 केवी का मोटर होता है उसमें 5 इंच का और 6 इंच का प्रॉप जो है वो सजेस्टेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 5 इंच का ट्राई ब्लेड प्रॉप और 2 ब्लेड प्रॉप अवेलेबल है, और दोस्तों यहाँ पर 6 इंच का ट्राई ब्लेड प्रॉप और 2 ब्लेड प्रॉप भी अवेलेबल है। तो इन चारों प्रोपेलर्स के साथ हम इस मोटर का थ्रस्ट टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका थ्रस्ट टेस्ट करने के लिए हमें इस तरह की एक वेइंग स्केल की जरूरत पड़ेगी, और इसे आप डिजिटल तराजू भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हमें अपने ब्रशलेस मोटर को देखिए इस वेइंग स्केल में कुछ इस तरह से रख देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रोपेलर है उसे हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, अगर हम इस तरह से अपने मोटर को चालू करेंगे तो दोस्तों ये ऊपर के एयर को सक करके नीचे को फेंकेगा, और दोस्तों हमारा जो मोटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इससे दोस्तों तराजू पर दबाव नहीं बनेगा और इसका थ्रस्ट हमें पता नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों मोटर का जो दबाव है वो नीचे डालने के लिए हमें सिंपल सा एक काम करना है कि हमें प्रोपेलर को देखिए इसमें उल्टा कर देना है। इससे दोस्तों होगा ये कि नीचे के एयर को सक करके ऊपर को फेंकेगा और जो दबाव है वो तराजू की तरफ बनाएगा, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों हमें इस मोटर का जो रियल थ्रस्ट है वो पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में रखना है, दोस्तों प्रोपेलर जो है वो नीचे के एयर को सक करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोपेलर के नीचे बहुत ज्यादा जगह नहीं है जिससे एयर को ठीक से सक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें मोटर को थोड़े से हाइट पर फिक्स करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट से एक हाइट पर फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस मोटर को एक पुराने जो बाइक का बैटरी होता है उसमें स्क्रू की मदद से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों हम अपने बैटरी को इस वेइंग स्केल के ऊपर कुछ इस तरह से रख देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले से इसका वेट तो इतना दिखा रहा है, तो नहीं दोस्तों, हम टेयर का बटन दबा के इसको जीरो पर ले आएंगे। दोस्तों वीडियो मैं थोड़ा सा डिटेल में बना रहा हूं ताकि आप थ्रस्ट टेस्ट करना चाहें अपने घर पर तो आप आसानी से कर सकें, आपको प्रॉपर नॉलेज हो। इसके बाद दोस्तों हमें बैटरी को टेप से कुछ इस तरह से तराजू में फिक्स कर देना है जिससे कि वाइब्रेशन की वजह से बैटरी इधर उधर खिसके नहीं। इसके बाद दोस्तों सिंपली हमें मोटर में ESC को कनेक्ट करना है और ESC में हमें सर्वो टेस्टर को कनेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आप भी थ्रस्ट टेस्ट करने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर पूरी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों ये जो मोटर है बहुत ही हाई RPM पर घूमता है और अगर प्रॉपर इससे निकल गया तो आपको लग भी सकती है। तो ये सब दोस्तों आप अपने रिस्क पर करें और पूरी सावधानी के साथ करें। इसके बाद दोस्तों हमें ESC में बैटरी को कनेक्ट करना है, और यहाँ पर दोस्तों मैं 2200 mAh का जो लिथियम पॉलीमर बैटरी होता है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए इसे भी फटाफट से कनेक्ट करते हैं और टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रोपेलर को इस मोटर में एक एक करके लगाते हैं और बारी बारी से इन सब प्रोपेलर के साथ इस मोटर का थ्रस्ट टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में जो 5 इंच का ट्राई ब्लेड प्रॉप है इससे शुरुआत करने वाला हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर वेइंग स्केल में हमको एक समस्या देखने को मिल रही है दोस्तों। ये जो 6 इंच का ट्यूबलेट प्रॉप है बहुत ही ज्यादा दोस्तों वाइब्रेट कर रहा है और इसका आवाज भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाउड है, तो जिसकी वजह से हमारा जो वेइंग स्केल का बैटरी है वो भी वाइब्रेशन के कारण इधर उधर हिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वेइंग स्केल है वो बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वेइंग स्केल को चेंज किया है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो 2200 केवी का मोटर है वो इन चारों प्रोपेलर्स के साथ कितना थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि दोस्तों ये इतना वजन उठा सकता है। अब दोस्तों अगर आप भी इस मोटर का थ्रस्ट टेस्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर दोस्तों आप 2200 mAh से बड़ी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं या फिर दोस्तों आप किसी DC पावर सप्लाई जैसे कि DC अडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट मुझको मिले हैं वो सेम रिजल्ट आपको भी मिले। आपके केस में दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इसका जो थ्रस्ट है वो आपको मिल सकता है, जो रिजल्ट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन सब बातों का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर से आर्डुइनो से एक नया ड्रोन बनाने वाले हैं, तो दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय।